आरोपी पकड़ा गया है, खुशबू ठाकुर उसका नाम है, उसने ये बताया है कि उसके मोबाइल में केवल पैसा ट्रांसफर होकर आया था, बाकी उसको इस वीडियो के बारे में जानकारी नहीं। कितना पैसा दिया था सर? 500 रुपए उसको ट्रांसफर हुए। सर ये मामला नहीं बनाया था कि ऐसा और कोई लड़की ने शिकायत करी हो या फिर आप लोगों ने बात करी हो आईटीआई कॉलेज में, ऐसा तो कुछ नहीं? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। सर ये मामला अशोक गार्डन थाना क्षेत्र में था, लेकिन पिपलानी शिफ्ट क्यों हुआ? दरअसल वो लड़का और लड़की जब इन्होंने दोबारा पैसा मांगा तो वो डर के घर से भाग गए थे, तो दोनों की उस थाने में गुमशुदगी दर्ज हुई थी। उस थाने में इनकी दस्तियाबी हुई तो उसके स्टेटमेंट में इन्होंने इस वाले अपराध के बारे में बताया, तो उसका अपराध क्षेत्र लगता है अशोका गार्डन, तो वो केस यहाँ ट्रांसफर हो गया। ठीक है सर, ये बच्चे वाले मामले में क्या अपडेट है, अभी तक कुछ पता चल पाया? कट कर देना। जो टीटी नगर थाना क्षेत्र में कल ये कायमी हुई है जिसमें 2 बच्चे गायब हुए हैं, उसमें कल जो बच्चों की माँ है उसके स्टेटमेंट के हिसाब से रंग महल चौराहे के पास वो बच्चे गायब। देखिए कॉलेज के वॉशरूम में बनाया गया था छात्रा का अश्लील वीडियो, इसको लेकर पुलिस पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। वीडियो बनाकर छात्रा को देखिए ब्लैकमेल किया जा रहा था, ऐसे में देखना होगा पुलिस क्या बड़ा एक्शन लेती है। कॉलेज के 3 स्टूडेंट्स उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है, 2 आरोपी हिरासत में, हर एक एंगल से पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो देखिए जिस तरीके से मोहाली एमएमएस कांड के बाद प्रदेश की राजधानी भोपाल कांड में ये एमएमएस कांड है, कांड कमोबेश एक जैसा है और पुलिस लगातार एक्शन मोड में है, हर एक एंगल से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बताया कि अभी तक इन्वेस्टिगेशन में क्या सुराग हाथ में लगा है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है क्योंकि आए दिन जिस तरीके की तस्वीर निकल कर सामने आ रही है, अपने आप में पुलिस से इन तमाम इस तरीके के पहलुओं से निपटना बड़ी चुनौती है। हालांकि पुलिस एक्शन मोड में है।